Audio Jungle. अभी पार्टी को आगे पीछे आज हमने सूर्य नमस्कार का डेमो दिया, उनके लिए एक बार ताली हो जाए। हाँ, एक बार फॉलो करें ऐसे दोनों हाथ। अभी रेस्ट कहाँ करेंगे, हेड के ऊपर हाथ पास भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर खींचे और एक दो बॉडी बोल। ये है, ये आसन का नाम है पाद हस्तासन। बहुत अच्छा। और शुक्रासन में श्वास छोड़ते हुए सभी तैयार है, आपकी नजर राइट साइड में झुकेंगे। बहुत अच्छा, पकड़े हुए आंखें बंद रखें। बहुत अच्छा, 20 times चलाएंगे। अभी अभी गिनती शुरू होगा, रेडी स्टार्ट। 1 14 15 16 17 18 10। रिलैक्स करेंगे क्लैपिंग। एक्सेलेंट, ऐसे दो बार। टू रेडी स्टार्ट। 1 2 1। बहुत अच्छा, होल्ड करें। एक जाएगा बहुत। हम पूरा बैठ श्वास भरते हुए दोनों पांव को ऊपर उठाए, दोनों पैर को सिर्फ पैर उठे। 4 5 6 रिलैक्स। ए और लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से पहले लेफ्ट एडी, कमर को पूरा घुमाए तब देख पाएंगे। रिलैक्स, दोनों एंकल को पकड़े। 4 5 10 रिलैक्स करेंगे तो पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। सभी तैयार हैं, छोड़ेंगे जिसको बोलते हैं उल्टा पुल्टा करेंगे। एक बार राइट से सांस भरेंगे। करूंगा कि वे डाइस पर आए तथा विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाए। समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस बात को 9 साल हो चुके हैं कि हम पूरे देश और पूरे विश्व में हम इसको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के नाम से मना रहे हैं। योग से होने वाले फायदे के बारे में सभी को पता है, फायदे बहुत हैं और दूरगामी हैं। मैं मिसेस बबीता प्रधान हूँ। आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो योगा डे में इतना होली प्लेस में योगा करना वो सबसे बड़ी बात था सबके लिए। बहुत ही शांत माहौल में, इतना अच्छे क्लाइमेट, पूरा चिनार के पेड़ के नीचे बहुत ही अच्छे माहौल में आज हम लोग योगा डे मनाए। और योगा डे का फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपीरियंस में बोलना चाहूँगी, योगा करने के बाद बॉडी का जो हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी इतना बढ़ जाती है, इवन डिजीज से लेके आज की डेट में मैं बहुत दिन से एक्चुअली योगा कर ही रही हूँ। ऐसे होता है मेरे साथ कि योगा एक दिन भी ना करती हूँ तो मुझे वो दिन बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसीलिए ट्राई करती हूँ, कैसे भी मुझे जैसे भी टाइम मिलता है ट्राई करती हूँ। ऐसे मॉर्निंग में एवरीडे करती हूँ मैं, लेकिन अगर मॉर्निंग में कभी कर भी नहीं पाती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं योगा करती हूँ। और मैं सबको बोलती भी हूँ कि सारे लोग जब भी अपने को मतलब टाइम मिले, इवन हमारे जो CRPF के जो भी पर्सनल भी है उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, एक दिन उनको वीकली वंस वो लोग भी योगा करना चाहिए। उनका जो PT होती है उसके बीच में वो लोग अपना टाइम निकाल के एक दिन उनको योगा करनी चाहिए, PT के टाइम पे खास करके। आज 115 बटालियन CRPF की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने माता खीर भवानी टेम्पल के पवित्र और पावन प्रांगण पर योग दिवस मनाया है। इस योग सेशन पे 115 के कार्मिक के साथ साथ बाहर से आए हुए दर्शनार्थी और ट्रस्ट के मेंबर्स पार्टिसिपेट किए हैं। 9वें इंटरनेशनल योग दिवस पर
मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही इस दिवस पर, इस योगा सेशन पर पार्टिसिपेट करने के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जैसे कि सब विदित है कि योगासन से, मेडिटेशन से बहुत सारे शारीरिक समस्याओं के साथ साथ नकारात्मक सोच को हम दूर कर सकते हैं, मानसिक और शारीरिक जो तनाव है उसको दूर कर सकते हैं, ये सभी को भलीभांति पता है। आज ये बात सिर्फ भारत नहीं, विश्व के सभी देश में सभी नागरिक इस बात को महसूस करते हैं और योगासन से इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। CRPF के परिप्रेक्ष्य में हमारे मेंबर्स के जीवन में जो समस्या है, जो तनाव है, वो योगासन से दूर हो सकते हैं और साथ ही अगर उनके परिवार वाले भी इसको निरंतर अभ्यास करें तो ये स्वस्थ और सुखी जीवन यापन कर सकते हैं, ताकि हमारे कार्मिक भी अपने ड्यूटीज़ को अच्छे तरह से अंजाम दे सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ये योगासन, योगा दिवस सिर्फ एक दिन का ना हो और सभी इसको निरंतर प्रतिदिन अभ्यास करें और अपने जीवन में शामिल करें, यही उम्मीद के साथ मैं पुनः सभी को दोबारा धन्यवाद देता हूँ।